हेलो गाइस, स्वागत करता है आप सभी को फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हम आए हैं देवघर, जो कि झारखंड में, और आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सा रूम के बारे में हम बताते हैं जिसमें आपको एक बार विजिट करना चाहिए। काफ़ी सस्ता भी है, अच्छा भी है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। आप लोगों को दिखाते हैं, अभी हम हैं लिफ्ट में और चलते हैं लिफ्ट से ऊपर, आप लोगों को रूम टूम करवाते हैं पूरा। देख लीजिए लिफ्ट में अभी है, चलते हैं लिफ्ट के बाहर और आप लोगों को दिखाएंगे पूरा रूम का। लिफ्ट के बाहर और ये सब रूम का क्या टैगरी है, ऐसा कुछ माहौल है होटल का। चलिए एक रूम हम लिया है, आप लोगों को रूम दिखाते हैं। यही है रूम, आप लोग देख लीजिए, ये टीवी लगा हुआ है रूम में और इधर कवर्ड है सामान वामान रखने के लिए, आपको जो मन है सामान रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस है इसमें, अच्छा स्पेस है। और इधर देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है और इधर भी एक कवर्ड है जैसे चश्मा रखा हुआ है लड़का। और इधर टेबल एक दो, और इधर भी ये फ़ोन दे रखा है, आपको कुछ भी अगर ऑर्डर करना है यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो आप। और नीचे ये देख लीजिए, यहाँ पर मेनू कार्ड भी है, ये रिमोट है टीवी का, आपको दिखा दें मेनू। आप यहाँ खाना भी ऑर्डर कर सकते हो इसी होटल में, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आप खाना वाना ऑर्डर कर सकते हो। चेयर भी दिया हुआ है लोग देख सकते हो बैठने के लिए, और दो गिलास दिया है शीशा का, काफ़ी साफ गिलास है, बेचारा एकदम साफ उफ करके दिया है। पानी भी दिया है, पानी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, और होटल में हम स्टे किए हैं मगर वहाँ का पानी अच्छा नहीं रहता है, यहाँ का पानी काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों को दिखा देते हैं बेड का, बेड देखिए, बेड भी अच्छा ही है, बेड बहुत काफ़ी बड़ा है, आप तीन चार आदमी आराम से रह सकते हो। और बोर्ड वोड तो दिया ही हुआ है, एक चीज़ का अगर इसमें कुछ कमी लगा तो इसमें गीजर नहीं दिया है, मगर आपको गर्म पानी तब भी आएगा सुबह के टाइम, मतलब 10 बजे तक आपको गर्म पानी इस नल में ही आता है, वो नीचे में ही लगा रहा होगा। आपको बाथरूम दिखाते हैं इसका, काफ़ी क्लीन बाथरूम है, ये देख लीजिए, ये बेसिन हो गया आपको, और ये यहाँ पर भी एक मिरर लगा हुआ है और नल हो गया, नल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा भैया नल भी चल रहा है। और इधर देख लीजिए, ये हो गया काफ़ी साफ है बाथरूम भी, सब कुछ अच्छा है, टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है नीचे। और ये देखिए एक लड़का सो रहा है, ये कब उठेगा पता ही नहीं लग रहा है, एकदम सोया हुआ है, अबे उठो। और इसका अगर आप रहना चाहते हो तो इसका पर डे का जो है सो रूम आपको दिखा दिए पूरा अच्छा तरह से, और आपको बता देते हैं इसका क्या कैसे चार्ज है। इसमें एक दो कैटेगरी का आ रहा था, एक डिलक्स, एक पता नहीं डिलक्स से भी ऊपर है उसका, मतलब आपको पड़ जाएगा। इस रूम के बारे में आपको बता दें, ये जो रूम हमने लिया है ये कहाँ पे है, ये है आपको टावर चौक, जो कि जसीडी से 5-6 किलोमीटर आगे आके पड़ता है, जिधर देव बाबा का मंदिर है तो यहीं पर पड़ता है ये, जसीडी से 6 किलोमीटर आगे है। और उसके बाद आप लोगों को इस यह टावर चौक है, यहाँ पर हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा, यह पूरा मार्केट है। और इसके अंदर हम रूम लिए हैं, इसका बताते हैं रूम का कितना हमको पड़ गया। रूम का पड़ गया हमको पर डे का पड़ गया मुझे 1000 अप्रॉक्स 1000 के आसपास पड़ गया। इसका डिलक्स का आप लीजिएगा तो उसका मतलब 1300-1400 रुपया पड़ जाएगा, और उससे भी ऊपर जाइएगा तो मतलब 2600-2700 रुपया आप लोगों को पड़ ही जाएगा यहाँ पर लेने में। अगर आप लोग सस्ता ढूंढ रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत रूम पता किया मगर 1000 रुपये में कोई नहीं, मतलब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये काफ़ी अच्छा भी है और सस्ता भी है, यहाँ पर सबका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को हम दिखाई दिए पूरा रूम, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करिए, हम आप लोग देख लेना, कभी आए तो विजिट करना, इस होटल में काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी बताना कमेंट में अगर विजिट किया होगा इससे पहले तो कैसा है। तब तक के लिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।